रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ समूचे पश्चिमी मुल्क खड़े हैं। यही वजह है कि रूस जैसे कई गुना ताकतवर देश के सामने कमजोर यूक्रेन दो सालों से जंग लड़ रहा है। हालांकि युद्ध की शुरुआत के बाद से मौजूदा हालात में काफी उतार चढ़ाव भी आया। रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में पहुंचते ही जंग तेज हो गई है। रूस की ओर से यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। पुतिन की सेना एक एक कर पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को दिए गए हथियारों को तहस नहस कर रही है। पहले ही हार के मुहाने पर खड़े जेलेंस्की के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर ट्रेनिंग लेने वाले यूक्रेनी सैनिकों की संख्या और उनकी फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ महीनों में करीब करीब शून्य हो गई है। इससे जाहिर होता है कि यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए सैनिकों की भारी कमी हो रही है। अमेरिकी ट्रेनर्स ने अप्रैल 2022 में यूक्रेनी सैनिकों को जर्मनी में ट्रेनिंग देना शुरू किया था। साल 2022 के आखिर तक 3,100 यूक्रेनी सैनिकों ने अमेरिकी ट्रेनिंग हासिल की थी। बताया जाता है कि यूक्रेन के विनाशकारी ग्रीष्मकालीन जवाबी हमले के लिए जनवरी 2023 में 12 ब्रिगेड्स को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। हालांकि अमेरिकी अखबार ने अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि जर्मनी में प्रशिक्षित आखिरी ब्रिगेड ने जनवरी या फरवरी में अमेरिका के सबसे बड़े विदेशी प्रशिक्षण कमांड पोस्ट ग्राफेनवोहर को छोड़ दिया था। इसके बाद के महीनों में किसी को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया है। बताया जाता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने फरवरी 2024 में पहली और आखिरी बार बताया था कि अब तक युद्ध में यूक्रेन के 31,000 सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी जानते हैं कि यह आंकड़ा बहुत कम बताया गया है। बावजूद इसके उन्होंने माना कि जेलेंस्की को अधिक यूक्रेनी पुरुषों को जंग के लिए प्रेरित करने का एक तरीका खोजना होगा। इसी बीच यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने यूक्रेन की कम होती मिलिट्री पावर पर बड़ा बयान दिया है। माना जा रहा है कि जोसेफ बोरेल ने इशारों इशारों में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश नहीं चाहते हैं कि उनके नागरिक रूस यूक्रेन संघर्ष में मरे, मगर यूरोपियन यूनियन सैन्य और वित्तीय सहायता के मामले में यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। यूरोपीय लोग डोनबास के लिए मरने नहीं जाएंगे, लेकिन हम इससे बच सकते हैं कि यूक्रेनियन को डोनबास के लिए लंबे समय तक मरना पड़ेगा। गौरतलब है कि रूस के साथ संघर्ष की शुरुआत के बाद से यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को वित्तीय, सैन्य, मानवीय और शरणार्थी सहायता में 100 बिलियन यूरो यानी कि 107 बिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि मुहैया कराई है। इतना ही नहीं, ब्रुसेल्स यूक्रेन के लिए रूस के फ्रीज किए गए केंद्रीय बैंक भंडार के पैसों का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। ब्लॉक के शीर्ष राजनयिक ने स्वीकार किया कि कीव के लिए धन आवंटित करने का मुद्दा मुश्किल है, मगर ब्रुसेल्स ने रूस के खिलाफ युद्ध के प्रयासों में यूक्रेन की मदद करने का वादा किया है। बहरहाल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूरोपियन यूनियन के भीतर भी यूक्रेन की मदद पर खर्च को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना काफी अहम रहेगा कि हथियारों की कमी से जूझ रहा यूक्रेन सैनिकों की कमी से कैसे उबर पाता है।